हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेले बनाएंगे, भरवा करेले। ये देखिए, यहाँ मैंने आधा किलो के करीब करेले लिए हैं और इसके बाद इन्हें काट के इसको मैंने बीच से ऐसे चीरा लगा लिया और इसमें नमक लगा के मैंने इन्हें 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब उसके बाद मैंने जब 2 घंटे हो गए, 2 से 2.5 घंटे, उसके बाद मैंने इन्हें साफ पानी से 2 से 3 बार धो लिया। अब हम इन्हें उबालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी पानी इतना उबल गया, अब इसमें हम करेले डालेंगे एक एक करके। हम इन्हें सिर्फ 15 मिनट के लिए उबालेंगे, ज्यादा नहीं गलाना है इन्हें। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पानी में से इन्हें निकाल लिया है और इन्हें निचोड़ लेंगे एंड अब हम इनमें से बीज निकालेंगे इनके। ये देखिए, इस तरीके से आसानी से निकल आएंगे ऐसे करके। थोड़ा सा निचोड़ दीजिएगा, इस टाइम पे करेले काफी हद तक गल चुके होंगे। और बाकी ये फ्रेंड्स, जो हमने मेथड यूज किया है कि करेलों को 10-15 मिनट के लिए नमक डाल के पानी में उबालने का, इस तरीके से करेलों में से 99% तक कड़वाहट हट जाती है। अब करेलों में भरने के लिए मैंने यहाँ देखिए 3 बड़ी प्याज को घिस लिया है और अभी क्योंकि कच्चे आम भी आ रहे हैं तो मैंने 1 कच्चे आम की कैरी को घिस लिया है। आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं, वरना आमचूर ऑप्शन है ही। तो चलिए करेलों में भरने के लिए मसाला बनाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच तेल ले लिया है। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब जीरा भूनते ही अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे सुनहरा होने तक। अब देखिए फ्रेंड्स, प्याज का पानी ऑलमोस्ट हो चुका है और अब ये ब्राउन भी हो गई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें बहुत अच्छे से डालना है, सूखी सब्जियों में धनिया पाउडर बहुत अच्छे से डलता है। यहाँ हमने 2.5 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है। और अब थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए सौंफ का पाउडर भी डाल रहे हैं 1/2 चम्मच, थोड़ा सा हींग और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इस मसाले को अच्छे से मिलाएंगे और भूनेंगे। ये मसाला हमने मीडियम आंच पे बनाया है ताकि जले नहीं। अब हम इसमें जो कच्चा आम हमने घिसा था वो डालेंगे। इस टाइम पे अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप इसमें अमचूर 2 बड़ा चम्मच डाल सकते हैं, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने। अभी देखिए, हम पूरे इसको मसाले को अच्छे से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और फिर इसी को हम साइड में रख देंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसको करेलों में भरेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मसाले को 10 मिनट हो चुके हैं, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से करेले के अंदर भर लेंगे। बहुत ज्यादा ओवर फिल नहीं करना हमको, बस इतना कि आराम से ये दबे तो बंद हो सके। एक्स्ट्रा निकाल दीजिए और चाहे तो आप इसे बांधने के लिए धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम ज्यादा उल्टेंगे पलटेंगे नहीं इनको। ये देखिए, ऐसे करके सारे हम भर लेंगे करेले। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने सारे करेले को स्टफ कर लिया अच्छी तरीके से और यहाँ ये तेल हमने 4 से 5 बड़े चम्मच तेल लिया है क्योंकि हमें करेले अच्छे से फ्राई करने हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके करेले डालेंगे। ये देखिए, एंड करेले डालते डालते अच्छे से तेल में लपेट दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से करेले अच्छे तरीके से भुनेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसे तेल में अच्छे से कवर कर लिया है करेलों को। अब हम इन्हें कम से कम 15 मिनट तक पकाएंगे और हम इन्हें 5-5 मिनट बाद चेक करते रहेंगे इसे साइड चेंज कर करके, ताकि ये चारों तरफ से कुरकुरे हो जाए और सुनहरे हो जाए। अब मैंने इसे ढक दिया है, अब मैं 5 मिनट बाद इसे दोबारा चेक करूंगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और अब तक हमने 2 बार करेलों को पलटा है। ये देखिए किस तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। बस 5 मिनट और हम पकाएंगे इनको, ऐसे कुरकुरे करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये करेले बनके तैयार हैं। प्लीज़ इन्हें ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते ये और सच में बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।